सर 13 नंबर भी है। हाँ अच्छा ठीक है। हेलो 13 नंबर एक मिनट। हाँ, आज का जो टॉपिक है प्रुरेटस, दैट इज कॉल्ड जनरल इचिंग और हिक्का। बड़ी है इसमें हिक्का, यानी जनरल इटी। प्रुरेटस इज ए नॉट ए डिजीज, इट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इसका पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोडक्शन है, प्रुरेटस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द पेशेंट विथ डर्मेटोलॉजिक डिजॉर्डर। इच रिसेप्टर आर अनमाइलिनेटेड, अच्छा पेनिसिलिएट ब्रश लैक नर्व एंडिंग दैट आर द फोन भैया, एक्सक्लूसिव इन द स्किन, म्यूकस एक मिनट मेम्ब्रेन एंड कॉर्निया। मोबिना। यानी एक माइलिन सीट न्यूरॉन का क्या होता है, माइलिन सीट होता है न्यूरॉन में ना, अरे उसी भैया, तरह ये है रिसेप्टर। उसमें अनमाइलिन सीट सीट वही न्यूरॉन में, माइलिन ब्रेन का जो है उसमें माइलिन सीट में वो इसी में रिसेप्टर लगा रहता है इचिंग का। उसमें इंड में माइलिन सीट के इंड पॉइंट में लगा रहता है, इसमें रिसेप्टर रहता है इसमें। और उसका जो म्यूकस है एस्कुलेटी जो कहाँ कहाँ रहता है, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन और कॉर्निया में। उसको ब्रश लैक स्ट्रक्चर नर्व एंडिंग का वो रहता है, ब्रश लैक कैसे नर्व जैसे है तो कैसे ब्रश लैक रहता है। ऑल दो प्रुरेटस इज यूजुअली कॉज बाय प्राइमरी स्किन डिजीज विथ रिजल्टेंट रैश और लीजन। इट में अकर विदाउट ए रैश और लीजन, यानी कभी कभी तुमको रैश नजर भी आएगी या अर्टिक्रिया, कभी कभी कहीं रैश नजर नहीं है, कहीं अर्टिक्रिया नहीं, लेकिन हॉल बिटी इचिंग होता रहेगा, चाहे को पूरा नोचता रहेगा, कहीं लीजन नहीं दिखाई देगा तुमको, लगता रहेगा उसकी वजह से भी परेशान रहोगे। तो जनरल ये इंट्रोडक्शन है। डिफिनेशन है, प्रुरेटस और इच इज एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएट विथ एन एक्चुअल डिस्टर्बेंस टू द स्किन दैट प्रोवेक द डिजायर टू स्क्रैच। यानी नोस्ता जो है अनकंफर्टेबल, कहीं भी जो नोस्ता है इचिंग होता है, तो उसको पता है कि जहां जहां नोचेगा वहां बढ़ता जाएगा। सोचेगा कि जहां इसकी एंटेरियर एब्डोमेन होगा तो नोचोगे, जितना इचिंग करोगे, खुजलाने की कोशिश करोगे, उतना स्प्रेड करते बढ़ते जाएगा, जो स्किन में सेंसेशन बढ़ते जाएगा। इसलिए उस पेशेंट को नोचना जल्दी नहीं चाहिए, चाहे कोशिश करेगा नोचने का, बढ़ते जाएगा। कॉज है फर्स्ट नंबर कॉज ड्राई स्किन। ड्राई स्किन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज हॉट या कोल्ड वेदर विथ लो ह्यूमिडिटी एंड वॉशिंग और बाथिंग टू मच। जो आदमी ज्यादा नहाते रहते हैं बार बार, तो नोचेगा तो फिर नहाने जाते हैं, या ड्राई स्किन हो जाता है ज्यादा उसमें भी नीचेगा, या ज्यादा कोल्ड होगा उसमें भी नीचेगा। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी ड्राई स्किन कॉमन होता है, उसमें भी इचिंग कॉमन होता है। ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। स्किन कंडीशन एंड रैशेज, मेनी स्किन कंडीशन लैक डर्मेटाइटिस। कोई भी डर्मेटाइटिस, कोई भी इंफ्लामेशन स्किन में होगा, डर्मेटाइटिस के कारण इचिंग होगा। सोरियसिस, सोरियसिस में भी इचिंग कॉमन है। एसकेबी, स्केबियल इन्फेक्शन, उसमें भी कॉमन इचिंग होता है। माइटिक बैक्टीरियल एंड वायरल एंड फंगल, इसमें दिया फंगल, यानी कहीं भी फंगल इन्फेक्शन होगा, वायरस वायरल इन्फेक्शन होगा, उसमें कॉमन। जैसे प्रूडाडर्स वाल्वा, उसमें जनरल क्लैमिडिया इफेक्ट होता है, उसमें भी इचिंग होता है कॉमन। दूसरी बात पेडिकुलोसिस, जैसे हेड में जूं ज्यादा हो जाता है, वहाँ इन्फ्लामेशन होने के बाद भी है, लेकिन अगर जूं है तो नोचेगा, इचिंग करेगा। डेंड्रफ है स्किन में, डेंड्रफ रहेगा तो नोचेगा। या इंसेक्ट बैट, इंसेक्ट कहीं खाते का इरिटेशन होगा, फ्लूकुलाइटिस या चिकन पॉक्स, इसमें भी इचिंग होता है। यानी स्किन से रिलेटेड जो भी है इरोजन, जहीं भी कहीं होगा वहां भी होगा, नहीं इरोजन है तो वहां भी इचिंग हो सकता है। सिस्टमेटिक डिजीज में द इंक्लूड लीवर डिजीज, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉमन प्रुरेटस ऑफ द होल बॉडी होता है। याद रखना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का सबसे बड़ा साइन है प्रुरेटस ऑफ होल बॉडी। जिसको जॉन्डिस होगा होल पूरा बॉडी नोचेगा, ये एक बहुत बड़ा। दूसरी बात किडनी फेल्योर में यूरेमिया, इसे भी पलाए थे। यूरेमिया में क्योंकि अमोनिया लेवल इतना बढ़ जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से पार्स कर जाता है,
तो स्किन में वो इरिटेशन रैसेज हो जाता है या फॉस्फेट बॉडी में जो है फॉस्फेटेमिया हो जाएगा, सल्फर का इंक्रीज होने की वजह से भी स्किन में इचिंग ज़्यादा होने लगेगा। दूसरी बात थायराइड प्रॉब्लम हाइपर या हाइपो दोनों में हो सकता है, इट में पॉसिबल नहीं है थायराइड है तो उसको नोचेगा ही, ऐसा नहीं है, रिस्क फैक्टर में है। एंड डायबिटीज, तो डायबिटीज पेशेंट रहेगा तो हो सकता है कि इचिंग हो, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन द इचिंग यूजली इफेक्टेड द होल बॉडी, यानी होल बॉडी हो सकता है। नर्व डिजोर्डर कंडीशन दैट अफेक्टेड द नर्व सिस्टम सच अ ब्रेकियो रेडियल प्रूडाइटिस स्पाइनल ट्यूमर डायबिटीज एंड कॉज इचिंग, यानी इस नर्व का डैमेज कहीं से हो सकता है, माइलिनसिट का डैमेज होने के बाद कहीं भी पेरिफेरी में इचिंग हो सकता है। इरिटेशन एंड एलर्जी रिएक्शन, दूसरी बात कोई भी मेडिसिन से कोई भी या फूड एलर्जन किसी को हो सकता है, कोई भी खाना खाने वाला चीज़ से एलर्जन हो सकता है कॉमन, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया, जूट मिल में रहने वाले, उस सबको उसके एलर्जन से किसी के बॉडी के एलर्जन से कॉमन हो सकता है, जैसे वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले, केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, या सॉप जहां बनता है, या किसी आदमी को सॉप यूज करने से भी एलर्जी हो सकता है, बहुत सैप से एलर्जी होता है स्किन का। किसी के बाद फूड खाने से, जैसे चना के दाल खाने से, किसी को रहर के दाल खाने से, खेसारी के दाल खाने से भी एलर्जी होता है, इसलिए फूड एलर्जन कॉज द एनी स्किन द इचिंग। ड्रग में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और हो सकता है, इसमें भी जैसे एस्पिरिन में या कोई भी एंटीबायोटिक या हार्मोनल एंटीबायोटिक से हो सकता है इचिंग, या डाइक्लोथियाज नॉन स्टेरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उस किसी की मेडिसिन से, नशा ड्रग से भी हो सकता है, या मॉर्फिन ड्रग जो है, या ओरल कंट्रासेप्टिव इससे ड्रग एलर्जी हो सकता है, ऐसा नहीं इससे सबको होता है, किसी किसी को हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कोई आदमी काफी गम में रहता है, सेडेटिव रहता है, उसमें हमेशा सोचता रहेगा नहीं कोई काम है तो नुस्ते रहेगा, क्योंकि ये नुस्ता उसको साइकोलॉजिकल ही इरिटेशन होता रहता कॉमन। दूसरी बात प्रेगनेंसी पीरियड में एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में नोचेगा, और से भी प्रेगनेंसी पीरियड में भी कॉमन, बहुत आदमी को देखना एब्डोमेन लेडीज इंटेरियर एब्डोमेन काफी नुस्ती रहती है, पूरा बदन कभी नुस्ती है, लगता है कि होमोरी हो गया इस तरह, इसके बीच के पूरा नुस्ती रहेगी, जितना नोचेगी उतना बढ़ता रहेगा, क्योंकि मांसल एंटी हिस्टामिन से रिलीज होते जा रहा है, जितना उम्र नोचेगा उतना रिलीज हो जाता है, कॉमन प्रेगनेंसी में भी ये होता है। क्लासिफिकेशन इसका जो है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी ऑफ द प्रोडक्टस इट्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। नंबर वन कैटेगरी का डर्मेटोलॉजिकल डिजीज में दिया है, दूसरा है सिस्टेमिक डिजीज दैट इज अभी बोले लीवर डिजीज और बोले किडनी डिजीज हो गया, डर्मेटोलॉजिकल में जैसे चिकन पॉक्स हो गया, या वेनेरियल डिजीज सिफिलिस गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया उसमें कॉमन नोचेगा। दूसरी बात सिस्टेमेटिक डिजीज में प्रेगनेंसी हो गया या ड्रग इंड्यूस हो गया। तीसरा थर्ड ग्रुप कैटेगरी बांटा है न्यूरोलॉजिक इफेक्ट, अभी बोले कि स्ट्रेस में इमोशनल में हो सकता है। चौथा साइकेटिक में सोमैटिक डिजॉर्डर में न्यूरोलॉजिकल के 4-3 एक लगभग एक ही टाइप है उसमें होता है। पांचवा जो है मिक्स ओवरलैपिंग एंड को एग्जिस्टिंग ऑफ द सेवरल डिजीज, यानी मिक्स हो सकता है किसी को डर्मेटोलॉजी है उसके बाद साइकोलॉजिकल हो गया उसके कारण उसमें भी नोचेगा इसमें। छठा है अनडिटरमाइंड ओरिजिन, किसी कारण हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी समझो किसका क्या है, स्किन पहले क्या है, स्किन कम्स इनटू द कंटेक्ट, यानी एक दूसरे कंटेक्ट में आया या कोई फॉरेन बॉडी है, एलर्जन सब्सटेंस है, क्या ऊल है, डस्ट है, गर्दा किसी, या पोलन है, या कोई इंसेक्ट है उसके नजदीक में आया, कंटेक्ट में आया विथ एलर्जन और इरिटेशन किया उस स्किन को किया, उसके बाद वहां जहां किया इरिटेशन किया, इरिटेट हुआ वहां पर इंफ्लामेशन हुआ, इंफ्लामेशन ऑफ द एपिडर्मल नर्व सेल एंडिंग का, उसके बाद वहां से जहां इन्फ्लामेशन होगा उसके रिलीज हिस्टामिन विद प्रोड्यूस ऑफ द मोर प्रोडक्ट, हिस्टामिन जो है एलर्जन का जो है रिलीज होगा, हिस्टामिन सेल जो है रिलीज होता है, हिस्टामिन के अंदर मास सेल होता है बॉडी में, मास सेल जो होता है वह रिलीज होने लगता है, मास सेल, इसनोफिल सेल, बेसोफिल सेल रिलीज होता है, ये जो मास सेल होता है मेलवेट
स्टेम सेल से बना रहता है, बोन मैरो में जो बलता है उससे रहता है, और ये दोनों क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टेड होता है, दूसरे से जोड़ता है। तो जो रिलीज होता है हिस्टामिन रिलीज होता है। उसके बाद मोर प्रोरेटल रिजल्ट इज द मोर स्क्रैची लीडिंग टू द मोर इचिंग ऑफ द इचिंग स्क्रैच साइकिल कंटिन्यू। यानी जितना नोचेगा हाथ से, जितना उसको नोचोगा उतना बढ़ते जाएगा। ये नहीं है कि इसलिए इस आदमी को नहीं नोचना चाहिए, हाथ धो ले, बटन दो दो गली गुसल कर ले, लेकिन नोचना ज्यादा चाहिए। जितना नोचोगे वहां अपना सेल हिस्टामिन से रिलीज होते जाएगा, इसलिए कहता है उसमें। तीसरा देखो इचिंग स्क्रैच का साइकिल बताया है। देखो इचिंग होता है जहां पर जिस चीज से टच होकर स्किन हुआ, स्किन वहां का डैमेज होगा, तुम स्क्रैच करोगे हिस्टामिन रिलीज होगा और इचिंग बढ़ता जाएगा। तीन साइकिल तो ये देखो, इचिंग, स्किन डैमेज, स्क्रैच, फिर स्क्रैच का इचिंग, स्किन, इसीलिए जहां बढ़ते रहेगा ये स्किन ये इसी तरह बढ़ते रहेगा, इसलिए नोचना नहीं चाहिए। ये साइकिल है, इसका भी दूसरा साइकिल बता दिया। साइन एंड सिम्टम्स है, पहला है ड्राई क्रैकेड स्किन, जहां पर ड्राई स्किन है वहां क्रैकेड स्किन हो जाएगा, क्रैक कर देगा। उसके बाद लेथार्जी और स्केली, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केली हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन और हार्डनेस हो जाएगा। उसके बाद एक्सकोरिएशन, रेडनेस, रेड एरिया, जहां नोचोगे हो सकता है वहां रेड एरिया होगा। उसके बाद हो सकता है वहां से पानी की तरह वाटर हल्का से रेसना शुरू हो, जैसे कि स्केबीज में, स्केबीज में जहां नोचोगे वहां से पानी उसका निकलेगा। जब पानी जहां आगे बढ़ेगा दूसरे स्किन टच करेगा, जहां जिस एरिया टच उस एरिया को और बढ़ते जाएगा, इसलिए नोचना चाहिए। उसके बाद और चेंज इन द पिगमेंटेशन में रिजल्ट, यानी जहां नोचोगे वहां रेडनेस होगा, रेस बढ़ता जाएगा एरिया, वहां इचिंग साइड बढ़ता जाएगा। प्रुरेटस यूजुअली इज द मोर सेवियर एट द नाइट, ज्यादातर आदमी दिन में बहुत काम करते हैं तो नोचता है, तो नोचे काम के पीछे, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं अभी, हमको यहाँ नोचे इचिंग हो रहा है तो हमको कोशिश करेंगे पढ़ा लेते के बाद नोचे, तो इसमें हम लोग का टाइम बीत जाता है। लेकिन रात में क्या होता है, पेशेंट रेस्ट में रहता है, आदमी रेस्ट में रहता है तो नींद में भी नोचता है, जैसे बाल ढीला ज्यू निकला तो उसको चाहता है, कोशिश करता है नोचे। दिन में ज्यू है नोच रहा है तो अपने काम में वक्त में नहीं रहे, और रात में वैसे भी रेस्ट में कोई एंजाइम या कोई हार्मोन जल्दी रिलीज ज्यादा होता है, तो हमारे बॉडी से भी हिस्टामिन का रिलीज ज्यादा नाइट में होता है, या कोई भी वर्म बॉडी में है, जैसे फ्लेरेसी से वर्म है क्या, कोई फॉरेन बॉडी भी नाइट में स्प्रेड ज्यादा करता है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहता है, रेस्ट मिलता है तो उसको प्रोटीन भी यूज खाने के ज्यादा मिलता है, इसलिए ज्यादा होता है। इसलिए रात ही में सबसे ज्यादा कोई भी इसका नोस्ता ज्यादा है। ड्यू टू ड्यूरिंग वेकिंग आवर ड्यू टू डिस्टेंस बाय डेली एक्टिविटी, यानी कभी कभी आवर में होगा, घंटा में, डेली हो सकता है। डायग्नोसिस में है हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहली बात हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्नोस्टिक के लिए, कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए, कि वो देखना है हिस्ट्री में पेशेंट से पूछने के बाद हर जगह देखना है कि कहीं स्केबीज कहीं नहीं है, तो स्केबीज है तो फंगल हैंड से शुरू होगा, और जहाँ पर एयर नहीं जाता है, जहाँ पर मॉइस्चराइजर ज्यादा वहाँ कॉमन देखना है, कि फिंगर के दोनों फिंगर के बीच में ये जगह मॉइस्चर आता तो वहाँ तो नहीं है, तो इसलिए हिस्ट्री और नेकेड आई से फिजिकल एग्जामिनेशन देखना बहुत जरूरी है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बीज है, सोरियसिस है, जनरल डर्मेटाइटिस है, समझे, या चिकन पॉक्स का है, या जनरल कोई बैट है, कोई फोरन डूल घर डस्ट स्मेल है, उस सब के लिए लोकल हिस्ट्री का कलेक्शन, या इंडस्ट्री में काम करते हैं या कोई मेडिसिन खाया है, इसलिए हिस्ट्री प्रॉपर लेना चाहिए, बिना उसका डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो सकता है। दूसरे फिजिकल एग्जामिनेशन में बोला, साथ में फिजिकल एग्जाम बहुत मैंने धीरे से आराम से देखना चाहिए, कि ये नहीं कि एक उंगली में देखा हो गया डायग्नोसिस तुम्हारा नहीं, जो दूसरे उंगली में देखना चाहिए, दूसरे बॉडी में और पार्ट में है कि नहीं, किस एरिया में है कि नहीं, जैसे हर्पिस है, हर्पिस को एक यूनिलेटरल अक्सर होता है, तो इसलिए देखना चाहिए कि ये क्लियर है, हीट है, क्या है, उसके लिए परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए देखना चाहिए। स्किन रिलेटेड जितनी है डिजीज कॉमन है डायग्नोसिस, वो उसको देखना चाहिए कि ये डिजीज मिलता है नहीं। उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए कंप्लीट ब्लड क्वांट में इसनोफिल बेसोफिल को देखना है, वह अक्सर इंक्रीज रहेगा, कोई भी एलर्जन आएगा तो इसनोफिल
इंक्रीज रहेगा, इसनोफिलिया हो जाएगा, बेसोफिलिया हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलसी में, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में। दूसरी बात, लीवर फंक्शन टेस्ट में कराना है कि अगर जॉन्डिस है सीरम बिलिरुबिन में, ऑब्स्ट्रक्टिव देखना है कि टोटल में डायरेक्ट ज्यादा है या इनडायरेक्ट, दैट इज कंजुगेटिव बिलिरुबिन ज्यादा है या अनकंजुगेटिव बिलिरुबिन है। और देखेगा कि अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है दैट इज कॉल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उससे भी आइडिया लगेगा कि क्या चीज है, इसके लिए लीवर फंक्शन का टेस्ट कराना जरूरी है। दूसरी बात, किडनी फंक्शन में ब्लड यूरिया का इम्पोर्टेंट बहुत है, देखना है कि पेशेंट ऐसा ना यूरेमिया में जा रहा है कि रीनल फेलियर में है, इसके लिए ब्लड यूरिया देखना जरूरी है। क्योंकि यूरिया पड़ता है तो अमोनिया बढ़ता है, अमोनिया बढ़ेगा तो पूरे बॉडी में अमोनिया जब सर्कुलेट करेगा तो इचिंग आर्टिक्रिया डेवलप करेगा जी। उसके बाद थायराइड फंक्शन, उस थायराइड के एबनॉर्मलिटी के लिए हम लोग देखते हैं जी कि हाइपर थायरॉइडिज्म है कि नहीं है या हाइपोथायरॉइड। लेकिन हाइपर थायरॉइडिज्म में पल्पिटेशन ज़्यादा होता है, एक दो थैलमस होता है और वहाँ इचिंग का रेट ज़्यादा हो जाता है कि इचिंग नोच निकले तो सकून है कि फैक्टर ज़्यादा है कि हो सकता है कि इचिंग ज़्यादा हो पेशेंट को, इसके लिए टेस्ट कराते हैं थायरॉइड। मैनेजमेंट में है सर, भाई पूरा बताएंगे मैनेजमेंट, हल्का हम बता देते हैं फिर सर बता देते हैं कि मैनेजमेंट का सबसे असूल इलाज जो ज्यादा है वो सर बता देंगे। सर थोड़ा असूल इलाज आप बता दीजिए, उसके बाद फिर हम बता देंगे। बता रहे हैं, हाँ हाँ सुनिए, बता रहे हैं आप। सबसे पहले बात की प्रोडक्टिस के बारे में तो सब बता दिया, अब आप समझ लीजिए कि ये पेशेंट को जो दवा चलेगी मुसफियात यूनानी दवा चलेगी उसको समझ लीजिए। पेशेंट को सबसे पहले आए तो उसको टेस्ट कराने के बारे में पता लगाने के लिए उस सब जो टेस्ट बता दिया गया सब समझ लीजिए। सबसे पहले इसको लीवर का फंक्शन से भी होता है, जॉन्डिस से भी होता है और थायराइड के वजह कर हो जाता है और शुगर के वजह कर हो जाता है, इसलिए टोटल आईजी का टेस्ट हम लोग करवाते हैं, देखते हैं किस किस्म का इसको एलर्जी है पता लगाने के लिए। हेलो, हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ, टोटल सफियात के तौर पर इसको हम लोग देते हैं शाहित्रा है, चिरायता है, सरफूका है, पोस्ट हलीला जर्द है, हर एक 6 ग्राम तमाम दवाओं को रात को लेके इसको अर्ख शाहित्रा 250 मीटर में इसको भिंगा के छोड़ दें और सुबह में क्या क्या बताए शाहित्रा चिरायता और सर धीरे से बता दी, लिखा दीजिए बच्चा को, लिखा दीजिए तो सर लिखा दीजिए सर इसको, हाँ लिखा दीजिए, पीपीटी में लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है सर पीपीटी में, बउआ पीपीटी भेज रहे हैं, भेज रहे हैं अच्छा अच्छा भेज भी रहे हैं हम, शाहित लिख लीजिए बाबू, शाहित्रा चिरायता सरफूका पोस्ट हलीला जर्द हर एक 6 ग्राम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं जी सर। हेलो, तमाम दवा को रात को इसको अर्ख शाहित्रा 250 मीटर में इसको मैं भिंगा के छोड़ देंगे और सुबह में उसको छान कर 12 ml सुबह शाम शहद मिला के इसको इस्तेमाल करना है, समझ गए, लिखा भिगा कर छोड़ देंगे और उसको शहद में मिला के, जी हाँ 12 मिलीलीटर उसको दवा को शहद में मिला के उसको इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट दूसरा लिख लीजिएगा, दूसरा है गुल सुर्ख गुल मनस्का मक्को तुख्म काशनी 5-5 ग्राम सबको लेके रात को इसको भी पानी में इसको छोड़ दें, सुबह में छान कर इसको शरबत नीलोफर 250 मिलीलीटर के साथ इसको सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। हेलो, नोट किया सुलेमान बाबू? हाँ, नोट कर रहे हैं, हाँ सर नोट हो रहा है, हाँ। उस दूसरी बात, फिर अब दवा में देंगे इसको माजून मुसफी खून या माजून उशबा या त्रिफल चात्रा या हब्बे मुसफी खून खुश असफल किसी एक दवा का इस्तेमाल सुबह शाम करना पड़ेगा इसको यूनानी दवा में, यूनानी दवा में लगाने के लिए आपको खून। हेलो सर, दूसरा, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। हेलो, हाँ, और लगाने के लिए एक्सटर्नल यूज के लिए आपको जैसे आबे बर्ग तंबाकू है, सब रोगन कुंजद है और सबको मिला के इसको पानी गर्म करके जोश देना है, जब पानी उसका खोल के उड़ जाए तो इसको तेल के तरह इसको हो जाएगा, उसको उतार कर ठंडा कर इसको मालिश करना होगा बदन पर आपको। दूसरी दवा एक और है
रोगन चमेली में अर्क लेमू मिलाकर इसको मालिश करें, अगर इससे कमी ना हो तो उसमें आप ये उसमें कफूर मिलाकर उसका इस्तेमाल भी करा सकते हैं आप, समझ गए? हेलो हाँ, मॉडर्न भी बता दीजिए सर, हम थोड़ा बता दें। कुछ मॉडर्न मेडिसिन है जैसे आयुर्वेदिक टैबलेट हो गया 12 mg, 8 mg, 6 mg अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से चलता है। बच्चे हैं तो 6 mg, सियाना है तो 12 mg, उसके बाद फिर है आपको 4 mg, ये सब चलता है। उसके बाद वर्मिक टैबलेट हो गया वीकली, हफ्ता में एक देंगे, वर्मिक प्लस आयुर्वेदिक मिला होता है, वो एंटी एलर्जी है, ये ब्लड ब्लड के लिए आपको आता है। जैसे पर लगाने के लिए हो गया परमेथिन लोशन हो गया या स्कार लोशन हो गया या एस्केबियोल हो गया या आयवेरा हो गया लोशन, आपको लगाने के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए साबुन में इस्तेमाल कराने के लिए आप बता देंगे सर, बताने के बाद फिर बताते हैं। ठीक है, बताइए सर। साबुन लगाने के लिए आप बैक्टीमो इस्तेमाल, एक्टेरिल सोप हो गया, बैक्टीमो सोप हो गया लगाने को इस्तेमाल, सिलेसिया किट हो गया लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा खाने के लिए हो गया कोई भी एंटी एलर्जी दवा, इसमें बेचैनी ज्यादा होती है तो कुछ आदमी को इसमें शिफा अब शिफा के नाम से सिडेटिव देनी पड़ेगी, जैसे अंग्रेजी में आ गया आपको एटेरेक्स गोली, उसमें एक रेनिटिडिन मिला के या जेंटेक या एसी लो किसी दवा के साथ मिला के आपको 1:1 एट बेड टाइम देना पड़ेगा जब तक के खारिश रहे, या उसके बाद हाइकोप गोली आती है या अलेग्रा 180 mg हो गया या आपको हिस्टाफ्री हो गया 180 mg का देने के लिए। ज्यादा बेचैनी हो तो हम लोग फेनार्गन टैबलेट 25 mg की देते हैं 1:1 एट बेड टाइम सोने के बाद। फेनार्गन सेडेटिव है, एंटी एलर्जी है, वो सुकून पहुंचाने की दवा है वो, इसलिए इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आप दे सकते हैं बिलाजो गोली होता है या बिलानेक्स होता है, इसको बोलते हैं बिलास्टिन के नाम से आता है, ये बहुत अच्छी है, बहुत नई दवा है एंटी एलर्जी के लिए, 20 mg की आती है, 1:1 बिलास्टिन टैबलेट आता है ये, इसके नाम से आता है, कई एक कंपनी बनाती है ये बिलाजो आता है। सबसे पहले मरीज को आपको उसको सेटिस्फाइड करना होगा, देखना होगा, मरीज में हड़बड़ाना नहीं होगा, मरीज का पूरा हिस्ट्री आपको लेना होगा, जो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। मरीज तो को देखते हैं बहुत लोग हड़बड़ हड़बड़ कर दिए, ऐसा नहीं होता बाबू, मरीज को सेटिस्फाइड करके पूरी बीमारी को समझना होगा, उसको आपको दवा एंटी एलर्जी देना होगा, उसको एंटी एलमेंथिक देना होगा, जैसे जोंक की दवा देनी होगी, गंदगी से बचाना होगा, इस सब का ख्याल रखना होगा। और किस किस्म की होती है तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि बीमारी जो होती है प्रोडाइटिस, बहुत से को लोग देखते हैं जॉन्डिस हो गया या डायबिटीज हो गया, बहुत लोग डायबिटीज की दवा खाते हैं उसके बाद भी बदन बहुत नोचता है, ड्राई स्केबी की तरह हो जाता है, जो कहीं दाना होना बदन पर पता आपको नहीं चलेगा लेकिन नाखून लगाएंगे तो निशान की तरह मालूम होता है वो आप। तो इस सब मरीज को पूरा थ्रोली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे आएंगे तो पूरा आपको सब पूरा थ्रोली उसको देखना होगा, बीमारी का इलाज करने के पहले पूरे मरीज का हिस्ट्री लेने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है, क्या इसमें दवा चलेगी, क्या यूनानी दवा चलेगी, क्या अंग्रेजी दवा चलेगी, इसमें थोड़ा देना पड़ेगा, क्या है कि यूनानी दवा में थोड़ा वक्त लगता है, अब मरीज आया कि सुबह में आया अगर उसको शाम तक फायदा ना हुआ तो फिर आपके पास मरीज भाग जाता है, इसलिए उसको फौरन राहत पहुंचाने के लिए कुछ हम लोग को साइड में लेकर के मॉडर्न मेडिसिन भी एकाध हम लोग को देनी पड़ती है कि मरीज को फौरी रिलीफ हो जाए, उसके बाद तो हमारा यूनानी दवा ही काम करता है, जैसे ट्रिपल छात्रा हब्बे मुसफेन कोई भी मुसफियात आप एक दे सकते हैं, ब्लड प्योरीफायर हो गया, साफी हो गया, अर्क चिरायता हो गया, आपको खजरा रिस्ट हम देते हैं, महामजिस्टा रिस्ट देते हैं, सारी वाद्या रिस्ट देते हैं, ये सब क्वाथ होता है, ये सब हम मिला के चलता ही है, ये सब का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट के ऊपर। डायबिटिक पीने का भी गंदगी से डायबिटिक के लिए क्या प्रिकॉशन होगा सर, डायबिटिक के लिए सर क्या बाबू क्या क्या डायबिटीज वालों के लिए सर, उसके लिए प्रिकॉशन इस डिजीज में, उसके लिए प्रिकॉशन के पहले पहले डायबिटीज का जैसे दवा चल रहा है तो डॉक्टर के इलाज में चाहे कोई दवा उसको डायबिटीज चला रहे हैं, चाहे इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे कोई दवा उसको उसका परसेंटेज घटाना पड़ेगा, दवा को कम करना पड़ेगा, बहुत से को दवा सूट नहीं करती है, चाहे डायबिटीज बहुत से केस आपको डायबिटीज वाली मिलेगी, बहुत से जॉन्डिस वाली मिलेगी, चाहे बहुत से प्रेगनेंसी वाले मिलता है उसको भी बहुत से इचिंग होती है, तो बहुत सेफ दवा लेके चलनी पड़ती है, जैसे फोरिस्टल टैबलेट हो गया बहुत सेफ दवा हुआ आपकी, उसको दे सकते हैं, बाकी कोई एंटी एलर्जी आप नहीं दे सकते हैं प्रेगनेंसी वाले लोग को, दवा हम लोग अवॉइड करते हैं ज्यादा दवा, बहुत से लोग आती है दवा वो दवा, बहुत दवा हार्मफुल हो जाती है, इसलिए दवा बहुत सोच समझ के कौन साइड इफेक्ट है कौन क्या है
पूरी हिस्ट्री लेने के बाद दवा उसकी दी जाती है। सब पेशेंट को जब देखेंगे, ट्रॉली देखेंगे, पेशेंट आएगा, जब फील्ड में आएंगे सब करेंगे, अभी इंशाल्लाह ताला तो सब पूरा पता चलेगा आप लोग को। हम लोग तो रोज पेशेंट देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरे अभी बताया गया तो पूरी बात को आपने फॉलो किया, समझा आपने? यस सर। हाँ, कुछ कुछ समझ लिया, सबको नोट कीजिएगा बाबू, नहीं तो फिर आप जब मेरे पास आइएगा इंशाल्लाह ताला, जब बैठिएगा आप अपने क्लिनिक में, पेशेंट जब मिलेगा तब उसके बाद फिर आपको पूरा पता भी चलेगा, पेशेंट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस सिंह का पेशेंट है, किसका, किसको एचिंग कहते हैं, किसको एक्जिमा कहते हैं, किसको आपको ये सोरायसिस कहते हैं, सब किस्म का अलग अलग में सब में बीमारी मिलेगी आपको। ठीक है बाबू, आप सेटिस्फाइड हुए आप? जी बाबू, जी सर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, हाँ एकदम ठीक है सर। दो मिनट हम भी बच्चा को कुछ और बता देते हैं, दो मिनट के लिए, दो मिनट टाइम है, दो मिनट बता दे सर, हम दो मिनट टाइम है, बता देते हैं बच्चा को, दो मिनट, हाँ सर दो मिनट और बता देते हैं बच्चा को, दो मिनट टाइम है। हेलो, समझा दीजिए और बच्चे को। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात सर बताए ऑन प्रैक्टिकल, बहुत बड़ी चीज बताए, ये बहुत उम्र होने के बाद प्रैक्टिकल के बाद ये दवाई लोग जानने में आता है। ठीक है, लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल सब चीज सब मेडिसिन नहीं हो पाता है। जैसे फिनार्गन, सब आदमी की हिम्मत नहीं होती है, फिनार्गन फिनोबार्बिटोन है वह देने की, एंटी सेडेटिव है, फिनोबार्बिटोन सब नहीं दे पाते, ये बहुत बड़ी क्लासिकल है। दूसरी बात सर जो बताए कि इसके साथ हाइड्रोक्सीजीन टैबलेट एटारेक्स है, 10 mg 25 mg का आता है, ये एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट है, क्योंकि हिस्टामिन की वजह से कॉमन होता है, इसमें ये H1 ब्लॉकर है, क्या है, H1 ब्लॉकर याद करो, और बॉडी में H1 ब्लॉकर और S2 रिसेप्टर, दैट इज कॉल रेटिनिटिडीन, दैट के सर अभी बताए हैं जिनटेक, ये बहुत कम डॉक्टर जानते हैं कि ये दोनों साथ मिलाने के बाद H1 S2 ब्लॉकर जो साथ में मिलता है तब उसके माइलिन शीट पर न्यूरॉन पर काम करता है, न्यूरॉन से ब्रेन में, और वहां से एक्टिवेट होकर तुम्हारा जहां इचिंग नुकता है, ये नहीं तो तुम्हारा इचिंग यहां हो रहा है, पेट में हो रहा था, पेट की बीमारी है, ऐसा नहीं है, ये सब इचिंग का सेंसेशन ब्रेन का है, मेडुला ओब्लॉन्गाटा, जहां सोचता है मेडुला वहां है। तो H1 ब्लॉकर, H1 S2 रिसेप्टर तो एंटागोनिस्ट जब रुकता है उसके बाद मास्ट इनहिबिट होता है मार्सेल, इसके वजह से तुमको इचिंग रुकता है। इसलिए सर जब बताए हैं बहुत अच्छी अच्छी बताया है, हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी जीन डेटिक का एटारेक्स दे पुरुगो करके नाम से आता है, 10 mg 25 mg देते हैं, और जिनटेक के साथ मिलाकर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ऑन प्रैक्टिकल थी। दूसरा उसके एलेग्रा, जैसे बताए सर कि एलेग्रा एंटी एलर्जी है, एंटी एलर्जी है, साथ में एक चीज सर बहुत अच्छी बताया कि आइवरमेक्टिन, इट इज ए एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन, क्या है, कॉमन वर्म, हुक वर्म, रॉड वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म के वजह से आदमी को इचिंग होता है, कॉमन इचिंग होता है, उसमें वर्मेक्ट आइवरिन 6 mg सर बताए, 12 mg को लोग हम लोग देखते हैं, इट इज ए एंटी पैरासिटिक एजेंट है, इसको देना बहुत जरूरी है, बिना बहुत ऐसा चीज है जिसमें नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए एक दूसरे को कंबाइंड सिम्टम को लेकर चलना चाहिए, इसलिए बहुत डॉक्टर नहीं ले पाते हैं, वर्मेक्ट अच्छी मेडिसिन। दूसरी बात सर अभी बताए, साथ में सेडेटिव पे बता ही दिए, और एलेग्रा जैसे एंटी एलर्जी, एंटी एलर्जी में जैसे सेट्रिजिन, लिबोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडीन, आप ब्लास्टरो सबसे नया लेटेस्ट में सर आने आपको तस्करा किया है, ब्लास्टरो इज द गुड मेडिसिन फॉर एंटी एलर्जी फॉर डिस्टैम, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इट इज ए यूज इन इम्पिटी स्टोमैक, तुम सिर्फ इम्पिटी स्टोमैक दे सकते हो, नोट सेडेटिव इफेक्ट, इसका कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं है, दिन में ले सकते हो, सुबह उठो फर्स्ट टाइम तुम ब्लास्टरो लो 10 mg, तुम दिन में भी इचिंग होना बंद हो जाएगा, रात में 24, इसको 21 आवर प्लाज्मा लैब हाफ स्क्वायर है, इसका कितना है 21 आवर, इसका मतलब